have an interaction with reference to जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है एंड जो भी रिसर्च की क्वेरीज हैं तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. Am I audible to everyone? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah. तो नहीं कर दिए मेरी. विभा says yes, धीरेन्द्र ठीक है. Hopefully मेरी आवाज इको नहीं कर रही हो. ऐश्वर्य. Okay. हम लोग basically अभी तक जितना भी रिसर्च का काम किए हैं, जो भी जर्नलिस्टिक रिसर्च की क्लासेस हुई हैं या जो भी मैनेजमेंट स्पेसिफिक जो तुम लोग का सब्जेक्ट चल रहा है, अभी तक पार्ट ऑफ योर कोर्स वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. अभी रिसर्च में क्या पढ़ाई हो रही है? धीरेन्द्र, ईशा, क्या इस समय पढ़ाई हो रही है तुम लोग की रिसर्च में? Yes, sir. इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा? फैक्टर एनालिसिस पढ़ा. ओके, ग्रेट. सी, रिसर्च के जितने भी टूल टेक्निक लगेंगे वो तो उस समय लगेंगे जब हमें यूज करना है, राइट? एज ऑफ नाउ हमारे लिए बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि क्या क्या स्पेसिफिक चीजें हम लोग समझ सकते हैं. ये टाइम होना चाहिए कि आप अपने रिसर्च टॉपिक को लेके कुछ क्लैरिटी रख लो, ठीक है? एंड सिंस नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, इट्स अ गुड ऑप्शन टू एक्चुअली गो ऑन वन एंड सी व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है विथ रेफरेंस टू कि आपने रिसर्च टॉपिक क्या सेलेक्ट कर लिया है. किसी एक का मेरे पास मैसेज भी आया था कि एग्जैक्टली रिसर्च टॉपिक का कुछ इंटरेस्ट था जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही थी. तो व्हाट आई कैन डू इज आई लीव दिस प्लेटफॉर्म ओपन टुडे. तुम लोग को जितने भी क्वेश्चन पूछने अपने रिसर्च को लेके तुम लोग पूछ सकते हो. इट विल ओनली हेल्प दी अदर स्टूडेंट्स. जिनको भी अपनी अपनी क्वेरी है आप लोग पूछो तो सो दैट वी कैन ईजिली डिस्कस एंड मे बी विल गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं. तन्वी है, विभा, ऐश्वर्य, धीरेन्द्र, अंजना. अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो इसका मैं मतलब मान के चलता हूँ कि सबको सब कुछ आता है और मैं पूछना शुरू करता हूँ. यस, धीरेन्द्र, ऐश्वर्य. यस धीरेन्द्र, you can begin with your question. You all can type in your questions as well. I can easily read out those questions and ek ek karke discuss karte hain. We have to now actually bolte hain na ki hum log closer hain course work ke completion ke. Is samay hame ye pata ho jana chahiye ki hum kya kar rahe hain. Okay, sir, on choosing the topic regarding my topic, main bas ye janna chahta tha ki in case agar main जैसे मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक के बीच में एक कोरिलेटेड टॉपिक चुन रहा हूँ तो इट इज फीजिबल टू परस्यू, मतलब अगर आप कुछ उस पे हिंट देना चाहें तो. ओके, लेट मी आस्क यू अ रिवर्स क्वेश्चन. आगे जाके व्हेन यू बिकम अ फुल फ्लेज्ड फैकल्टी व्हाट इज द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वेयर व्हाट यू आर लुकिंग टू टीच? मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट में भी इज इट जनरल मैनेजमेंट और इज इट एचआर और इट इज मार्केटिंग और इट इज फाइनेंस और इट इज इकोनॉमिक्स? सर, लाइक टू जनरल मैनेजमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक्स. सी, अगर जनरल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स है तो इट इज अ गुड इनफ वे. लेकिन ये चीज याद रखना है कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम वो उठाएं जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी हो. आगे जाके मार्केटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट जरूर से आएगा. इकोनॉमिक्स की टॉपिक्स नई नई आते रहेंगी और बोलते हैं ना कि बेस भले ही सेम रहता है लेकिन चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं. तो आपको टॉपिक उठाना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा रिडंडेंट नहीं हो. सर, आई हैव स्टडीड टूरिज्म आल्सो, सो can I involve that part in this management and economic and tourism as well?
See, you can involve everything. When it comes to management, you can involve anything and everything. Okay. But okay. It's always good to be very precise. If you are very clear with reference to कि क्या करना है, जैसे मैंने अपना टॉपिक फाइनेंस सोच के मैक्रो इकोनॉमिक्स ले लिया था. फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो फाइनेंस का पार्ट ना होके वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा लेवल है. ठीक है, तो कभी भी अगर मैं इसे पूछा जाता है तो मैं फाइनेंस ना बोल के मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी PhD जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है. नाम फाइनेंशियल लिटरेसी, बट इट इज मोर ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं और आगे जाकर उसका क्या फ़ायदा होने वाला है. अगर हमें ये नहीं क्लैरिटी है, क्योंकि आपको आगे जाके भी जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मे बी वंस यू गेट इनटू योर PhDs आर रन, यू बिकम फुल फ्लेज्ड फैकल्टीज, यू विल टेंड टू गेट अ लॉट मोर प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पेशलाइजेशन ऑल्सो. तो आप अपने स्पेशलाइजेशन, एक तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली बात है कि इंटरेस्ट होगा, और दूसरा ये है कि इंटरेस्ट के साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केटेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इकोनॉमिक्स अगर है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स वालों की स्पेशलाइजेशन का एक फैक्टर तो ये है ही है कि यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू जस्टिफाई द मार्केटेबिलिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट. बट देन अगेन, कोई भी टॉपिक लेने से पहले जरूरी है. आप टूरिज्म भी डालो अपने टॉपिक में, मैनेजमेंट भी डालो और इकोनॉमिक्स भी डालो, तो ये इंश्योर करना कि कौन सी चीज़ को क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं. एक शॉर्टर वे है PhD में अपने टॉपिक के रिसर्च गैप को फाइंड आउट करने का, और वो शॉर्टर वे है कि इन केस यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कोई भी चीज़ को लेके, तो आप उसका क्वेश्चनर बनाने की कोशिश करिए. ठीक है, एंड इन केस यू आर एबल टू राइट डाउन एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल विद रेफरेंस टू अ टॉपिक, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है, नंबर वन, और ऐसे कौन से सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक मिले नहीं होंगे किसी को भी. तो वही आपका रिसर्च गैप बनता है. एंड रिसर्च गैप ढूंढने का सबसे आसान तरीका तो क्वेश्चन आयर के थ्रू है. अब लोग बोलते हैं कि आप ये लिटरेचर के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो रिसर्च गैप से आएगा, और क्वेश्चनर बनता है फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में. बट काफ़ी लोग रिवर्स चलते हैं और क्वेश्चनर पहले बनाते हैं ताकि उस क्वेश्चनर से रिसर्च गैप निकल पाए, फिर रिसर्च गैप को इंडोर्स करते हैं लिटरेचर रिव्यू से. दिस इज अ फार ईजियर मेथड, एंड परहैप्स कहीं ना कहीं ज़्यादा आसानी से. अगर आपको रिसर्च गैप ढूंढना है तो आप क्वेश्चनर से चलिए, उसको लिटरेचर रिव्यू से इंडोर्स कराइए, ज़्यादा जल्दी आपको रिसर्च गैप मिलेगा. मैंने अपनी थीसिस ऐसे ही की थी, और सिनॉप्सिस के एंड तक में ही रिसर्च गैप पता चल गया था. एंड व्हेन यू नो योर रिसर्च गैप, दैट डे ओनली ऑफ योर PhD इज नन. अगर रिसर्च गैप आता है तो आप इसको हर DRC हर RDC में जस्टिफाई कर ले जाएंगे. लेकिन अगर रिसर्च गैप की क्लैरिटी नहीं है तो आप चाहे जितना अच्छा डॉक्यूमेंट बना ले, जितनी भी मोटी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है. सेकेंड थिंग इज ओके, यस, एनीवन एल्स, और कोई इसका सवाल? सी, यू ऑल आर ओपन टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस. तन्वी, जिगेशा, वैशाली, गुड आफ्टरनून सर. आफ्टरनून सर, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस. So, जैसे सैंपल की बात है, पढ़ते हुए ये मुझे बात समझ में आई कि सर वी नो की सैम्पलिंग की जाती है, रैंडम होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी और टाइप्स पता है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं. सर नाउ आई वांट टू नो कि हम किस तरीके से फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं अपने सैंपल को, ये मेरी पॉपुलेशन, उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और इससे मुझे ये सैंपल्स चाहिए, इन सैंपल्स में ये आइडियल फीचर्स होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज माय सैंपल, तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? सी, सैंपलिंग इज वन एरिया, क्योंकि हमें, अगर हम प्राइमरी डेटा ले रहे हैं, प्राइमरी डेटा लेने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं डेटा सैंपल से ले रहे हैं. तो सैम्पलिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं मिला तो जो डेटा मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपके PhD में
काफी स्क्यूड रिलेशंस और स्क्यूड कंक्लूजंस देगा. से सपोज मैं कर रहा हूँ कोई एनालिसिस हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स पे जो कि एमबीए कर रहे हों या जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हों. ठीक है, लेट अस सपोज वो मैनेजमेंट फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन है भरवाया वो ट्वेल्थ पास आउट से भरवा लिया, ग्रेजुएशन तो वो कर नहीं रहे, तो क्या होगा? मेरा सैम्पल कुछ और है, ठीक है, और मेरा जो टॉपिक है वो कुछ और है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है. तो रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर कि आपको डेटा किससे भरवाना है. सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, और रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है उसका तो सिर्फ एक ही वे है कि अगर हम कोई भी सैम्पलिंग लेते हैं, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा नहीं है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जजमेंटल सैम्पलिंग या कन्वीनियंट सैम्पलिंग होनी चाहिए. कन्वीनियंट सैम्पलिंग का फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ. फॉर दैट मैटर मैं हर टाइप की सैम्पलिंग के अपने कॉन्स भी होते हैं. काफ़ी लोग ये बोलते हुए मिलेंगे कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग देखेंगे कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग के भी अपने फ़ायदे हैं. फ़ायदा ये है कि अगर आप कन्वीनियंस और जजमेंटल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो देर आर पॉइंट्स ऑफ टाइम जहाँ पे आपको शायद डेटा रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए. अगर आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आपका चांस एरर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे एरर आएगा. एक आपका जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो काफ़ी हद तक आपकी ये सारे एरर्स ख़त्म कर देता है. एरर्स कैसे ख़त्म करता है, लेट अस सपोज स्नोबॉल सैम्पलिंग में कर रहा हूँ और मुझे हायर एजुकेशन में बच्चों से पूछना है कि से किसी रिलीजन का पूछना है कि आउटपुट क्या है. लेट अस से सपोज भगवद गीता का मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना इन्फ्लुएंस है भगवद गीता की टीचिंग्स का, ये मेरी रिसर्च का टॉपिक है. तो मैं क्या करूँगा, मैं तो अगर मैं सारे बच्चों से पूछना शुरू करूँगा तो आधे से ज़्यादा ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन वो डेटा क्या करेंगे, वो फिल कर देंगे. ठीक है, जब वो पढ़े ही नहीं है तो क्या इन्फ्लुएंस पे देंगे कमेंट, और एट द एंड ऑफ द डे फिर वो डेटा बहुत ही डूबियस फिल होगा. सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि से सपोज मैंने धीरेन्द्र को बोला क्योंकि ही हैज ऑलरेडी स्टडीड, धीरेन्द्र से बोला है और धीरेन्द्र से मैं पूछूंगा कि नेक्स्ट सैम्पल आप रिकमेंड कर दो कि आपके सर्कल में ऐसा कौन है जिसने क्या किया है, जिसने ऑलरेडी भगवद्गीता पढ़ रखी है. तो ही विल रिकमेंड समवन एंड वो स्नो बॉलिंग से क्या होगा, आपको जो सैम्पल मिलेगा बहुत ही फिल्टर्ड मिलेगा, राइट, वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट मिलेगा. अब प्रॉब्लम उस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सैम्पल लेने में क्या है कि आपको टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, कॉस्ट तो खैर आपका टाइम के बराबर ही है. इस कारण हर सैम्पलिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स को आपको वेट इन करना पड़ेगा. देर इज नो वे कि आपके लिए स्नोबॉलिंग हर केस में काम आएगी, लेकिन ऐसा ये काम जरूर से किया जा सकता है कि हम क्या करें, हम वैसी सैम्पलिंग यूज करें जिससे मैं बैलेंस कर पाऊँ. बैलेंस उसी समय होगा कि हम कहीं ना कहीं जजमेंटल सैम्पलिंग भी यूज कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम और कोई एक मेथड यूज कर रहे हैं जिससे हम किसी के पर्टिकुलर वे से ऐसा कॉम्बिनेशन निकाल लें कि मेरा जो सैम्पल फाइनली आ रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव हो. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग करने के लिए तो कोई मेथड अपने में फुल प्रूफ नहीं है, ये चीज की तो क्लियर है. एंड जब हम क्वेश्चन भरवा रहे होते हैं हम तब भी मान के नहीं चल रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वही भरेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि देर आर एरर्स. अगर आपको 5 पन्ने से 10 पन्ने का क्वेश्चन भरने को मिल जाए किसी भी रिस्पॉन्डेंट से तो शायद 2 पन्ने सही से भरेगा, 2 पन्ने शायद सही से नहीं भरेगा, और वो फिर किस में जाएंगे, वो आउटलायर्स में जाते हैं. सो वाइल गेटिंग योर डेटा फिल्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर योर रिस्पॉन्डेंट फिट्स इन टू द कैटेगरी. उस कैटेगरी में फिट होने के लिए आपको चेकलिस्ट होनी चाहिए और उसके बाद मैप कर लेना चाहिए कि इतने ही लोगों से मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर से भरवा सकता हूँ. बट देन दैट इज ऑलवेज व्हेन हाफ ऑफ योर रिसर्च इज डन. मेरे ख्याल से व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ स्मॉल सैम्पल साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सपोज मैंने 50 ब्रांड्स का लोगो का कलर लिया, मतलब वो अपने ब्रांड का जो कलर स्कीम यूज कर रहे हैं, ये मेरे माइंड में चल रहा था कि साइकोलॉजिकली भी ये हुआ कि लोग उसको परचेज क्यों करते हैं, क्या परसीव करते हैं. और मैंने 50 कैंडिडेट्स रैंडमली सेलेक्ट किए और उनसे पूछा, तो मेरे पास
2500 जो है रिस्पांस चाहिए होंगे, हर बंदा अपना देगा. तो सर वो जो 50 लोग हैं जो मैं पिक करूंगी रिस्पांस देने के लिए, वो किस बेसिस पे होगा? जैसे मेरा है कि अलग अलग एज ग्रुप कैसे रिएक्ट करती है. एक टीनेजर भी आज परचेज डिसीजन लेता है, जितने भी हम लोगों के मार्केटिंग में होते थे तो वो भी डिसीजन लेता है, वो भी बाय करता है. एक 30+% भी लेता है, 40+ भी, 50% भी. तो एक क्राइटेरिया तो मेरे माइंड में आया कि एटलीस्ट उसने 3 परचेजेस की हो ऑनलाइन. तो इससे ये होता है कि हाँ उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ये प्रोडक्ट का एक्सपोजर है कि वो जानता है कि ऑनलाइन परचेज करना है. अब ऑनलाइन पे वो अलग अलग वेबसाइट या प्रोडक्ट या एक ही जैसे नाइका है वहाँ पे जा करके देख रहा है या फ्लिपकार्ट पे देख रहा है, तो ब्रांड के कलर और उसके प्रेजेंटेशन से भी इन्फ्लुएंस होता होगा. तो ये जो पर्सन है सर ये अलग अलग एज ग्रुप के आए. एक कॉमन ट्रेड तो मैंने ले ली कि इन लोगों ने ऑनलाइन एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर मैंने कैटेगराइज कर रखा है डिफरेंट एज स्लैब्स में, तो हम एक ऑप्शन तो ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही एज स्लैब को उठाएं और उसी की स्टडी कर दें, इंडिपेंडेंट स्टडी. जैसे तुमने देखा होगा कि जब हम एम्प्लॉयज पे करते हैं तो हमें एक जनरेशन वाई एम्प्लॉयज लिखते हैं या जनरेशन एक्स एम्प्लॉयज लिखते हैं. वो क्यों करते हैं? हमें ये पता है कि जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई दोनों ही का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का ही क्या है रिएक्शन टुवर्ड अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज डिफरेंट. इस कारण रादर देन सेलेक्टिंग अ सैंपल और फिर उनको बाइफर्केट करना कि जनरेशन एक्स का ही है या जनरेशन वाई का ही है, वो क्या करते हैं अपनी स्टडी को लिमिट कर देते हैं किसी एक सैंपल पर और वो जनरेशन वाई पे. तो आपके केस में जैसे आपने एज स्लैब बताया कि 10-20 का कुछ होगा, 20-35 का रिएक्शन होगा, 35-50 का रिएक्शन होगा, तो आप चाहो तो अपनी स्टडी को भी आइसोलेटेड स्टडीज में कन्वर्ट कर सकते हो और सिर्फ 25-30 या 25-40 में ही करो, ठीक है. सेकेंडली अगर हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल का ही इन्फ्लुएंस है, तो यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ सैम्पल फॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो भी आपको रिजल्ट जो आएगा वो डिफरेंशियल आना चाहिए. अगर आप रिजल्ट मान के चलो कि रिजल्ट आएगा डिफरेंट, बट यू शुड ऑलवेज थिंक कि आपके टॉपिक से जस्टिफाई क्या हो रहा है. क्या हम इंडिविजुअली सैंपल की सिलेक्शन की स्टडी और एज का जो इन्फ्लुएंस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एज का इन्फ्लुएंस नहीं दिखाऊँ और बाकी सारे पैरामीटर्स या फैक्टर्स दिखा दो? जरूरी नहीं है कि एज को ही हम पहला फैक्टर रखें जिससे हम अपनी सारी स्टडी कर रहे हैं. और अगर मेरी स्टडी का बेसिस ही यही है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि एज वाइज इन्फ्लुएंस है, और अगर यही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे फिर क्या करना होगा? फिर मुझे हर एक क्रॉस एज स्लैब में इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी मुझे स्टडी का फाइनल आउटपुट मिलेगा. यू गॉट माय पॉइंट? अगर पॉपुलेशन पता होगी तो देर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एडिक्वेट सैंपल साइज, एंड वो जो फैक्टर है उसी से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो एडिक्वेट सैंपल साइज का फॉर्मूला. टू वेज ऑफ फाइंडिंग अ सैम्पल साइज, एक तो ये है कि आपके पास सैम्पल साइज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है जिसमें आप इनपुट कर दो पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिकली सैम्पल साइज आ जाएगा. दूसरा ये है कि ईजियर वे मैं बता देता हूँ, ईजियर वे है कि वॉट इज योर रिसर्च अबाउट, टॉपिक बताइए. बाइंग डिसीजन बेस्ड ऑन कलर स्कीम, ब्रांड कलर स्कीम. डिसीजन बेस्ड ऑन कलर स्कीम, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पुराने रिसर्च पेपर्स होंगे? यस सर, होंगे ना. तो जब पुराने रिसर्च पेपर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट होंगे, हम क्या करेंगे, हम पुराने रिसर्च पेपर्स को निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या सैम्पल साइज यूज हुआ है. किसी में 200 यूज हुआ होगा, किसी में 300 यूज हुआ होगा, किसी में 400 यूज हुआ होगा, किसी में 150 यूज हुआ, किसी में 100 यूज हुआ होगा. तो उन स्टडीज को हम अपने लिटरेचर रिव्यू में कोट करेंगे और रिसर्च मेथडोलॉजी में सैंपल जस्टिफिकेशन में ये जरूर से शो करेंगे कि सिंस प्रीवियस स्टडीज हैड टेकन द सैंपल
so and so, and our study is in very similar to the study undertaken by some other studies. So we have also taken sample size on a very similar lines. जगह पे जो सैम्पल जस्टिफिकेशन होता है, लोग जस्टिफिकेशन में पुरानी लिटरेचर्स को ही कोट करते हैं जहां से वो मॉडल इनकॉर्पोरेट हुआ है. इट इज अ गुड प्रैक्टिस. अगर आपको पुरानी स्टडी से कोई मिल रहा है और उसी स्टडी को आपने बेस बनाया है, तो आप स्टडी में देखो कि उन्होंने सैम्पलिंग कैसे किया. देयर हैज टू बी सम एजेंडा जिसके पीछे उन्होंने सैम्पलिंग की होगी. उसी चीज को आप कोरिलेट करके अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करो. अच्छा, अगर कोई क्लोजली रिलेटेड, मतलब एज इट इज जो हम लोग काम कर रहे हैं वैसा नहीं मिला, रिसर्च नहीं हुई है, कोई न्यू टॉपिक है, तो कोई रिलेटेड पेपर होगा, मतलब कोई आसपास का टॉपिक उससे लेंगे? हाँ, बट अगर प्रेफरेबली तो ये होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्टडी तो होगी ही, एटलीस्ट लेट अस सपोज अगर कोई स्टडी होगी तो उनका जो सैंपल साइज होगा आप उनको इनकॉर्पोरेट, आप उनको टैग इन करके, आप साइड करके आप जरूर से सैंपल यूज कर सकते हो सैंपलिंग का साइज. अदरवाइज फिर एडिक्वेट सैंपल साइज का फॉर्मूला होता है. ठीक है, एडिक्वेट सैंपल साइज का फॉर्मूला यूजुअली कम लोग लेते हैं. थीसिस में तो जरूर से लेते हैं, रिसर्च पेपर में इसका नहीं लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ज्यादातर केसेस में पॉपुलेशन एग्जैक्ट पता नहीं होती है अनलेस वो डेटा आपको इजीली अवेलेबल हो वेबसाइट्स पे. अगर आपको पॉपुलेशन नहीं पता है तो आप उसका जो फाइनल आउटपुट है वो निकाल नहीं पाएंगे. अगर आप बैंक्स में जा रहे हो, बैंक के कस्टमर का पता है, तो बैंक के कस्टमर्स तो आपको पता चल जाएंगे वेबसाइट पे, हर बैंक के या RBI के बुलेटिन पे पता चल जाएगा. तो वहां से आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स पता चल जाएगा. फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स का जब हम फॉर्मूला 1- करके जो रूट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एडिक्वेट सैंपल के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला है वो अराउंड 360-370 का सैंपल साइज आता है, क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में यूज होता है. तो पॉपुलेशन एक लेवल के बाद वो क्या हो जाता है, चाहे जितना भी आप बढ़ा दो आपका सैंपल साइज उतना ही जाएगा, 300 समथिंग होता है और वो उतना ही रह जाता है. इट डजंट चेंज रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लैक्स ऑफ क्रोस, आपका सैंपल साइज उतना ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा 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 फैक्टर होता जाएगा. तो सर, जैसे हम लोग ये जो भी थीसिस पे काम करेंगे, आई थिंक रिसर्च पेपर पे तो ये मेथड इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर जब थीसिस के लिए हम काम कर रहे हैं तो इसको डिफेंड करना पड़ेगा. और अगर हमने कोई डिफेंड तो आपको टॉपिक से लेकर कंक्लूजन तक करना पड़ेगा. और जब डिफेंड करने की बात है तो यू शुड ऑलवेज राइट व्हाट कैन बी रिटन एंड यू शुड ऑलवेज एलिमिनेट व्हाट कैन नॉट बी रिटन. कभी कभी लोग बहुत सारा चीजें लिख देते हैं थिंकिंग कि evaluators don't go through it. Evaluators go through every nitty-gritty of your thesis. तो हर चीज़ बहुत सोच समझ के ही लिखनी होगी. और क्योंकि अपना काम है तो आपको justify करने में कोई issue होना भी नहीं चाहिए. And see, quoting मैं जो sampling की बात कर रहा हूँ वो दोनों ही सही हैं. अगर numerical method से आप explain कर लीजिए तो nothing like it. जैसे मैंने bank का अभी आपको number of customers अलग किया, क्योंकि number of customers आपको available है. Since that data is easily available on the website, it is easier to find out the sample size. लेकिन कोई ऐसा data जिसमें आपको अभी population ही नहीं पता चले तो आप sample size कैसे निकालेंगे? मुद्दा ये है. तो जहाँ पे आपको sample size मिल जाता है वहाँ से जरूर से निकालिए. And always make sure these are the learning years. अगर एक साल बहुत जम के रगड़ के मेहनत कर ली जाए इन सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज पे, इट इज ओनली गोइंग टू पेव वे फॉर बेटर रिसर्च पेपर्स ओवर इयर्स. होता कि टाइम दे आर इनटू देयर सबमिशन टाइम, तो ना इधर का सही से पढ़ा होता है ना लास्ट मोमेंट का सही से पढ़ा होता है, तो वो सबमिट हो जाती है, थीसिस डिफेंड कर ले जाते हैं, PhD हो जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग रिसर्च पेपर्स फॉर वेरी गुड जर्नल्स,
they end up doing nothing. Is current, it's always good to begin and start writing for very good journals. ये मेरे से किसी ने पूछा भी था जब मैंने suggest किया था कि you should always think for a peer reviewed journal and peer reviewed journal which looks authentic and is authentic as well. ठीक है. Do not go for predatory journals जहाँ पे आपने पैसा दिया और आपका पेपर छप गया, क्योंकि it is not going to serve you a lot of weightage over a period of time. क्योंकि by the time you are into your submission process, maybe 3 to 4 years later, वो journals की website भी बंद हो चुकी है, आपको website भी ना दिखेगी. Your money will only go waste. So थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क राइट नाउ. अपने स्किल पे अगर अभी काम करके तो आगे जाके बहुत आसानी होगी. नेक्स्ट इज ऐश्वर्या. यस सर. सर एक्चुअली माय टॉपिक, द टॉपिक आई हैव सिलेक्टेड इज एक्चुअली एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन आईबीसी कोड. सो सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क सर, डू आई नीड एक्चुअली, आई जस्ट डू अ कंपैरेटिव बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन आईबीसी कोड बोथ आर वेरी ब्रॉडर टर्म्स. So there is, according to the research I have done until now, so sir, it will, the my research will be based on comparative study, data analysis, data collection. So sir, will I need sampling for this topic? Hello? Sir, your voice is not audible. Sir, your voice is not audible. आवाज आ रही है मेरी? Yes sir, yes sir. सर आप आवाज कितनी कंपनीज का करने हम अभी? सर आई'ल 5 कंपनीज आई हैव चूजन अप टू नाउ. कंपनीज का हम Pardon, sir? और ये 5 कंपनी आई कहाँ से? Sir, ये 5 कंपनी आई कहाँ से? 5 कंपनीज. Sir, actually these the 5 companies which I have taken, sir, ये एकदम latest है, मतलब जैसे IIFL है और IIFL की तरीके से ही recent 5 years की कंपनी है जो कि insolvency में गई है अभी, और इनकी insolvency proceedings अभी चल रही है. जी सर. So, ये जो 5 कंपनी ली है मैंने किसी सैम्पलिंग पे तो ली है? ये जो 5 कंपनीज ली है मैंने इसमें कौन सी सैम्पलिंग लगाई है? मैंने इसमें जजमेंटल सैम्पलिंग ही तो लगाई है. यस सर. इफ यू सी तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज होंगी ओवर लास्ट 20 इयर्स. यस सर. यस सर. अंतिम के 20 साल में मैंने फिल्टर करके कितनी कंपनीज निकाली? 5 कंपनी निकाली. 5 कंपनी. ठीक है. यस सर. ऑन व्हाट बेसिस? विद द बेसिस हैज बीन देयर रीसेंसी. सर जिनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं उनका बस वही कंपनीज मैंने ली. तो ऑब्वियसली इसमें सैंपलिंग तो लग गई, इसमें जजमेंटल सैंपलिंग लगी है, क्योंकि हमने कोई जजमेंट यूज किया, हमने कोई लाइन ऑफ लॉजिक यूज किया, और उस लाइन ऑफ लॉजिक से हमने क्या किया, हमने उस लाइन ऑफ लॉजिक से बेसिकली क्या किया, हमने डिटरमाइन किया कि एग्जैक्टली क्या यूज हुआ. Okay, I hope
My net is now consistent. Madhvendra, your query. Yes, sir. सर ये पूछना था जैसे कि पेपर में ऐसे कि हम कुछ वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं नए वेरिएबल्स को, तो उनको कैसे एस्टैब्लिश्ड किया जाए और उन वेरिएबल्स की फॉर एग्जांपल जैसे कि सर उसका साइटेशन अवेलेबल नहीं है और हम उस नए वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं, उसकी वैलिडिटी कैसे लाएं ताकि पेपर हमारी पेपर की नोवेलिटी हमारी रहे, उसके लिए क्या कैसे किया जाए? तो ये है कि लिटरेचर रिव्यू से, पुराने लिटरेचर रिव्यू से हमने कोई मॉडल उठाया होगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ सर, जैसे कि एक मान लीजिए कि एक टाइम ले लिया या टीपीबी जो एक है उसके एक्सटेंशन पे काम करो, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ एग्जिस्टिंग ले लिए, अब उसमें से एक नया वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल यूज कर लिया। यस सर, ठीक है। तो सी इन दैट केस दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो पहले जो बेसिक मॉडल है वो हमने एक्सप्लेन किया, अगर अपने हिसाब से मुझे लगता है कि कोई एक और वेरिएबल आना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले उसका नीड जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमने एक एग्जिस्टिंग मॉडल यूज किया, टैम का मॉडल हमने यूज कर लिया, मॉडल हमने एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें कर दी, लेकिन जब हम फाइनली अपने एंड से एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमको लगता है कि नहीं इसके अलावा ये भी मॉडल आ रहा है, तो उसके पीछे कहीं तो कोई साइटेशन होगा पहली चीज, और अगर साइटेशन नहीं है, लेट अस सपोज उसका कोई साइटेशन नहीं है, तब तो उसमें सिर्फ यही हो सकता है कि इन दैट केस यू ओनली नीड टू एंटर इट योरसेल्फ। भाई दो ही वेज है तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग मॉडल है, उस मॉडल में कुछ नॉवेल्टी डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ नया वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। जब हम वेरिएबल ऐड कर देते हैं तो उस वेरिएबल का किसी लिटरेचर से हम जस्टिफाई कर देते हैं कि ये वेरिएबल जो है इस पर्टिकुलर स्टडी से हुआ था, हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सप्लीमेंट कर देंगे, वो मॉडल का एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस यू नीड टू ओनली कम अप सेइंग दैट दिस इज समथिंग व्हिच यू बिलीव कैन फिट इनटू द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन ऑन व्हिच यू आर कंडक्टिंग अ स्टडी। ठीक है, अब मान लो हमने कोई मॉडल यूज किया जिसमें मुझे लगा कि सिर्फ एज ऑफ द कंपनी ही इंपॉर्टेंट है और रिटर्न ऑन एसेट इंपॉर्टेंट है और साइज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस पे किया, लेकिन मुझे पता चला कि साइज, एज और रिटर्न ऑन एसेट के अलावा आरओसीई भी इम्पोर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं ढूंढूंगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या किसी रिसर्चर ने कुछ ऐसा लिटरेचर लिखा है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी से डायरेक्ट करता हो रिलेट। अगर वहाँ करता होगा तब तो ठीक है, तब तो हम इंस्टेंटली साइट करके उसको ऐड कर देंगे उस मॉडल में, और अगर मुझे नहीं मिलता है देन देयर इज नो अदर वे यू कैन डू इट, यू कैन ओनली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्ट, फिर आप सिर्फ कंस्ट्रक्ट पे जो रिसर्च हुआ होगा आप सिर्फ वही एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर मुझे क्या होगा कि मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा अपने टर्म्स में कि आरओसी का मतलब ये होता है और प्रॉफिटेबिलिटी से ये रिलेवेंस आ रहा है और ये जस्टिफिकेशन है। इन एनी केस वेयर यू बिलीव दैट देयर इज समथिंग व्हिच कैन ऐड नोवेल्टी टू द एग्जिस्टिंग मॉडल एंड यू बिलीव देयर इज नो एग्जिस्टिंग साइटेशन टू हेल्प द मॉडल एक्सटेंशन टू बी जस्टिफाइड, इन दैट केस only one way you can do it is you can explain the construct yourself. अगर आपने construct खुद से explain कर दिया तो nothing like it. But make sure कि आपने अच्छे से check कर लिया होगा वो कहीं पे explain और possible ways में नहीं हुआ। वैसे TAM के काफी extensions हैं, मतलब अनगिनत extensions हैं, TAM के बहुत ज़्यादा ही extensions मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड नॉवेल्टी इन रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक में नॉवेल्टी का मतलब ये है कि अगर हम 2022-2021 के टॉपिक, अगर पहले तो आपको ब्रॉडर टॉपिक डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम एचआर ले रहे हैं, मार्केटिंग ले रहे हैं या फाइनेंस ले रहे हैं। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि एचआर है तो फिर मैं ढूंढूंगा कि एचआर एनालिटिक्स पे कितना काम हुआ है, फिर एचआर एनालिटिक्स पे जाने के बाद मैं गूगल स्कॉलर पे चले जाता हूँ। लेट्स गिव एन एग्जांपल कि मैं गूगल स्कॉलर पे चले गया, मैंने टॉपिक लिखा एचआर एनालिटिक्स और 2022 से मैंने फिल्टर लगाया कि 2022-21-20 में कितने रिसर्चर्स हैं। गूगल स्कॉलर का सिर्फ एक फ़ायदा एक्स्ट्रा मिल जाता है कि उसमें आपको वो सारे पेपर्स मिल जाएंगे जो कि पीयर रिव्यूड में भी होंगे, जो कि कहीं पे, जो कि एल्सेवियर अलावा के भी होंगे, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि बिल्कुल इस समय बहुत चल रहा है, एंड वहीं से ही आप कुछ आइडिया पिक करके ये बता सकते हैं कि क्या ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चलेगा कि नहीं चलेगा, नंबर वन, एंड क्या आगे उसकी वैलिडिटी 2-3 साल में है कि नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ से तो नॉवेल्टी पता चलेगी कि अब वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, हॉट टॉपिक है कि नहीं है, और दूसरा
कि अगले 2-3 साल उसकी यूटिलिटी नहीं है. जैसे इस समय ट्विटर माइनिंग बहुत चल रही है, काफ़ी लिटरेचर आपको देखेंगे, काफ़ी रिसर्च पेपर्स देखेंगे जो कि ट्विटर माइनिंग पे हो रहा है. ट्विटर माइनिंग इज व्हाट अ कंसेप्ट, क्या है कंसेप्ट, यह है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड को क्या किया, ट्विटर पे चेक किया कि उनकी उसका डेटा एनालिटिक्स कितना यूज़ किया हुआ है और किस लेवल तक रिसर्च उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए उस पर्टिकुलर डोमेन पे या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे की हुई है. तो काफ़ी जो एनालिटिक्स हैं डेटा साइंसेस में इस समय बहुत यूज़ हो रही है. तो सी नॉवेल्टी इज समथिंग यू विल ईजली गेट टू नो कि टॉपिक नया है कि नहीं है. अगर टॉपिक नया, जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन है, बहुत पुराना टॉपिक है, पता चल जाएगा, ठीक है. सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, सर्विस क्वालिटी है, सब बहुत पुराने टॉपिक है, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा. डेरिवेटिव्स है, बहुत पुराने टॉपिक है, लेकिन डेरिवेटिव्स में कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, जैसे अभी NFT है, ठीक है, या क्रिप्टो करेंसीज है. क्रिप्टो करेंसी इज अगेन अ वेरी ओल्ड टॉपिक, बट क्रिप्टो करेंसी में नई जो ट्रेंड्स आ गए, नए इनोवेशन आ गए, तो वो आपका नया टॉपिक बनाता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगेन इज एन ओल्ड टॉपिक, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अगर हम रिलेट करके ESG भी बता दें, ESG इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गवर्नेंस वाला, जो कि NSE में अब आ गया है, तो अगर हम उससे रिलेट कर जाएंगे तो वो भी नॉवेल्टी है. तो नॉवेल्टी तो आपको जब तक आप इकोनॉमी से नहीं रिलेट कर पाएंगे या जब तक करेंट स्टडीज से नहीं रिलेट कर पाएंगे तब तक डिफिकल्ट रहेगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो सर. हेलो हेलो हेलो. हाँ शिल्पी सर, कुछ गूगल स्कॉलर में कुछ पेपर ओपन एक्सेस होता है, कुछ जो है वो ओपन एक्सेस नहीं होते हैं. जो ओपन एक्सेस नहीं है उनको सर किसी भी टाइप से क्या हम ओपन कर सकते हैं, कि कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उनको ओपन कर सकते हैं? ओके, ये टॉपिक, ये सवाल का जवाब तो दिया जा सकता है. ये थोड़ा सा सेम, कुछ जर्नल तो ऑब्वियसली ओपन एक्सेस है, वो तो आपको मिल जाएंगे. जो आपको ओपन एक्सेस नहीं मिलेंगे उसका दो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि साई हब से जाते हैं. अगर उसका DOI होता है तो वो साई हब से खोलते हैं, ठीक है, और वो निकालते हैं. मैं प्रैक्टिस यूजुअली ये वाली अवॉइड करता हूँ. आई बिलीव व्हाट आई कैन डू इज मैं रिसर्च गेट पे उसी ऑथर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और रिसर्च गेट पे वो ज़्यादातर मिल जाते हैं. और जगह अगर आपको वो रिसर्च गेट पे वो ऑथर मिल जाए, आप इंस्टेंटली उस ऑथर से रिक्वेस्ट कर सकते हो रिसर्च पेपर के लिए. मोर देन 90% चांसेस है कि वो आपसे रिसर्च पेपर शेयर कर देंगे, ठीक है. एंड दिस हैपन्स, मेरे साथ हमेशा यही होता है कि काफ़ी रिसर्च पेपर्स नहीं मिलते, तो मैं रिसर्च गेट पे रिक्वेस्ट कर देता हूँ तो वो मुझे पेपर मिल जाता है. दिस इज़ अ फार ईजियर प्रैक्टिस. अदरवाइज साई हब पे भी लोग करते हैं, वो URL उठा के कॉपी करके पेस्ट करते हैं, काफ़ी कुछ पेपर्स उससे मिल जाते हैं. अदरवाइज सिंपलर वे इज़ टू फाइंड आउट रिसर्चर्स एसोसिएशन या एफिलिएशन. राइट डाउन अ मेल दैट यू आर इन नीड ऑफ दिस पेपर बिकॉज यू बिलीव दैट दिस paper is of high quality and this is going to add to your research inclinations. That is it. You just write one line telling that you require this paper because it you believe that this is a very good paper. Author automatically share kar dega. And author ki URL aapko, author ka jo aapko affiliation hai, wo instantly Google Scholar pe mil jayega. Itta kaam to bahut aaram se ho jata hai. Otherwise research get hai. कोई पेपर ऐसा छूटता नहीं है जो ना मिले, वरना फिर रैम्स की लाइब्रेरी है, वहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि एमरल्ड और स्कोपस का भी एक्सेस मिल जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम इस समय ये नहीं है कि हमें एक्सेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कितना हम पढ़ के कितना एसिमिलेट कर लेते हैं और फिर हम कितना जोन इन कर पाते हैं. 2 months back, I wanted a few papers in Emerald. I got an access and फिर मैंने सारे papers Emerald के download कर लिए. Almost like 12-13 download मैंने किए होंगे जो मुझे important papers लगे थे. आज तक की date में मैंने एक भी नहीं पढ़ा है. तो issue ढूंढने का भी कम है, issue पढ़ने का भी है. अगर हम एक भी paper timely पढ़ लें तो हम उससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं. हाँ, लेकिन अच्छे quality papers तो आपको Emerald, Elsevier पे ही मिलेंगे, SCI में मिल जाएंगे.
उसके लिए ऑप्शन यही है, रिसर्च गेट पे भी, रिसर्च गेट पे भी अच्छे पेपर्स मिल जाएंगे। रिसर्च गेट पे अगर आप ऑथर से कनेक्टेड हैं, यू विल गेट एन एक्सेस टू द पेपर्स आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यस सर, सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल और बीआरसी और थीसिस, इनमें से डिफरेंस बता दीजिए प्लीज। सबसे पहले हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, देन सिनॉप्सिस, देन डीआरसी या थीसिस को चेक आता है। इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी। रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, डीआरसी। सी, डीआरसी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर, जो हर 3 महीने से 6 महीने में होगी, जिसमें रिसर्च स्कॉलर से पूछा जाएगा कि आपका प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, ये डीआरसी में होता है, हर 6 महीने पे यूजुअली होती है, ज़्यादातर कभी कभी 3-3 महीने पे भी होती थी, कि रिसर्च स्कॉलर से पूछा जाता है कि आपने क्या आप प्रोग्रेस किया है अपनी रिसर्च में। ठीक, सिनॉप्सिस क्या होती है? सिनॉप्सिस ये होती है कि आप पीएचडी में क्या आपने डिसाइड किया है, क्योंकि आप 6 महीने पढ़ चुके हो, लिटरेचर रिव्यू थोड़ा कर चुके हो, सो यू मस्ट बी वेरी श्योर एज टू व्हाट यू आर थिंकिंग और डूइंग अबाउट इट। अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो उस टॉपिक के पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, देर हैज टू बी सम रिसर्च मेथडोलॉजी, देर हैज टू बी सम रिसर्च गैप, देर हैज टू बी सम सैम्पलिंग, देर हैज टू बी ऑल्सो सम लिटरेचर रिव्यू एंड ऑब्वियसली द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो वो जो सिनॉप्सिस है उसका बहुत ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सेक्शंस ये हैं कि यू बिगिन विद इंट्रोडक्शन, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉलोड बाय रिसर्च मेथडोलॉजी, देन डेटा फाइंडिंग, सजेस्टेड डेटा फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, ऐसे करके आप मेंशन करते हो। कंक्लूजन नहीं आता, लेकिन आपके बाकी 5 जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो तो जरूर से आ जाते हैं। सिनॉप्सिस टेल्स यू एज टू व्हाट a research scholar is thinking with reference to whatever the topic one has selected. So synopsis aapka abstract ki tarah kaam karta hai aapke PhD ka. To synopsis banane samay aapka synopsis hota hai to wo change hota hai nahi aage. To aap synopsis jab banaye to bahut theek hai. Research proposal jaisa kuch nahi hota. Research proposal बेसिकली जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो वही रिसर्च प्रपोजल है। ठीक है, वो आपके सिनॉप्सिस का ही पार्ट हो गया। भाई रिसर्च प्रपोजल क्या, रिसर्च प्रपोजल है कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका रिसर्च मेथडोलॉजी ये है, ये एनालिटिकल टूल्स में लगा कि ये एनालिसिस आएगा। ठीक है, और उसमें इतने से इतना समय लगेगा। द सेम थिंग यू आर गोइंग टू टेल इन द सिनॉप्सिस आल्सो। सिनॉप्सिस हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड, एंड सिनॉप्सिस इज सम डॉक्यूमेंट जो आपका पीएचडी से हमेशा मैच होते रहेगा, कि क्या आपने सिनॉप्सिस में प्रेजेंट किया है, 6 महीने के बाद आपने क्या स्टडी किया, फिर 6 महीने पे आपने क्या स्टडी किया, एंड हर 6 महीने पे आपका प्रोग्रेस बहुत ही टैंजिबल होना चाहिए। ऑर्डिनेंस अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप ऑर्डिनेंस जरूर से पढ़ें, तो क्योंकि बहुत ही क्लियर कट चीज़ें उसमें मेंशन है। फर्स्ट थिंग इज टू ऑलवेज इंश्योर दैट यू पीपल रीड द ऑर्डिनेंस, सो दैट यू पीपल नो कि कैसे स्ट्रक्चर्ड मेथड में चलने वाली है पीएचडी। और क्योंकि ये टाइम बाउंड हो गए हैं सारे प्रोग्राम्स, विच इज़ वेरी गुड, अदरवाइज यू विल सी स्कॉलर्स वेटिंग फॉर 7 years and 8 years डूइंग पीएचडी। अब क्योंकि आपका टाइम बाउंड हो गया है, क्लियर पता है कि आपको इतने साल में पीएचडी कर लेनी है फ्रॉम द डेट वंस योर कोर्स वर्क इज कंप्लीटेड। तो जब इतनी क्लैरिटी आ गई है तो काम में भी इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, कि 6 महीने में लिटरेचर रिव्यू किया, उसके 6 महीने में क्वेश्चन है, फिर उसके 6 महीने में डेटा कलेक्शन, उसके 6 महीने में मेरा एनालिसिस, उसके 6 महीने के बाद मैंने प्री पी एच डी सबमिट कर दी, प्री पी एच डी प्रेजेंटेशन हो गया, एंड उसके 6 महीने के बाद मेरा बेसिकली थीसिस सबमिशन है। तो 3.5 years में सारा स्ट्रक्चर चलता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर उसी समय चलता है जब स्कॉलर जो हो या रिसर्च स्कॉलर हो अपने लेवल पे स्ट्रक्चर्ड हो। काफ़ी लोग पहला साल बहुत आराम से निकालते हैं, बट मेरा ये मानना है कि पहले 1-1.5 साल में अगर आपने बहुत सारा काम कर लिया तो आगे जाके लाइफ ईजी हो जाती है। बट देन दैट इज माय वे ऑफ थिंकिंग थिंग्स, नॉट नेसेसरली कि सबके लिए वो पॉसिबल हो। एंड सर लास्ट था थीसिस।
थीसिस अगेन मैंने थीसिस पे एक जब लेक्चर लिया था मैंने बताया था कि थीसिस में थीसिस राइटिंग इज अबाउट टेलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी कि आपने पूरे चार साल में किस हिसाब से रिसर्च किया है उस स्टोरी को आपको सेक्शंस में डिवाइड करने हैं इंट्रोडक्शन रिव्यू रिसर्च मेथडोलॉजी एनालिसिस एंड फाइंडिंग कंक्लूजन में थीसिस लिखने से पहले आप इंश्योर कर लें कि आप कोई रिसर्च पेपर लिखें उसको पब्लिश करें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लिखना कैसे मेक श्योर टू गेट योर पेपर्स आल्सो फ्लैट टेक्स्ट चाहे वो टर्निटन से हो रिकॉर्ड से हो लेकिन जरूर से इंश्योर करें कि सिमिलैरिटी लीस्ट हो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं और आगे जाके बहुत और क्रूशियल हो जाएंगे मैं रोज नई चीजें देखता हूँ और देखता यही हूँ कि जिनके PhD कंप्लीट हो रही है या कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली कहीं से कुछ आ जाता है कि इस बंदे ने कहीं से कॉपी किया है तो आप ये इंश्योर करें कि आप कहीं से कॉपी ना करें यू कैन ऑब्वियसली टेक द आइडिया बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू कस्टमाइज इट टू द सैंपल वेयर यू आर अप्लाइंग इट और उतना ही आप यूज करें विद साइटेशन जैसे आपने सॉरी सर सिनॉप्सिस के लिए जैसे आपने बताया सर तो हमने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सबमिशन तो किया है बट मीनवाइल मेरे डेवलपमेंट्स भी होंगे हो सकता है थोड़ा सा रूट डाइवर्जन हो जो मैंने सबमिट किया था उसे थोड़ा सा वेरिएट करे तो इसको कैसे इंक्लूड करते हैं और हो सकता है पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाए कुछ ज्यादा वाइड हमने सिनॉप्सिस में दिया था और नैरो डाउन हो गया एंड सेकेंडली जो RDC जब बैठती हैं या DRC बैठती हैं तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा डिबेट नहीं करें क्योंकि आइदर यू आर करेक्ट एट दैट टाइम और आइदर यू आर करेक्ट एट दिस टाइम आपको 6 महीने दिया जाता है एंड फर्दर जो एक्सटेंशन मिलता है सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए वो दिया ही इसका नहीं जाता है कि आप एक बार फ्रीज कर लिए तो आप उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे See, understand. Synopsis is one document which will say कि मैंने ये चीज का बोला था और फिर आप 3 साल के बाद वही चीज बताओगे भी कि आपने किया है आप हर छह महीने में आप फिर आगे चेंजेस नहीं कर सकते माइनर चेंजेस कैन बी अकोमोडेटेड प्रोवाइडेड योर ऑर्डिनेंस अलाउज फॉर इट राइट यू गेटिंग माय पॉइंट आप अगर टॉपिक में माइनर चेंजेस कर रहे हो तो समझ में आता ये नहीं कि पहले 6 महीने में सोचा कि HR एनालिटिक्स पे करें अगले 6 महीने में सोचा नहीं मार्केटिंग एनालिटिक्स पे करें ठीक है या ये सोचा कि HR पहले मैं टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर पे करता हूँ 6 महीने का बोला नहीं टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में नहीं करता हूँ मैं सोचा कि सीमेंट इंडस्ट्री पे करता हूँ तो दिस इज ह्यूज आपने सैम्पल ही बदल दिया अगर आपने सैम्पलिंग ही बदल दी है तो जस्ट इमेजिन आपने रिसर्च किया पहले क्या सोचा था और अब क्या सोचा है तो या तो उस समय गलत थे या तो अभी गलत है हम लोगों कोर्स वर्क के बाद 6 महीने मिलेंगे देन सिनॉप्सिस देनी होगी ऑर्डिनेंस एक बार अपना ऑर्डिनेंस पढ़ लेना ऑर्डिनेंस में क्लियरली मेंशनड है कि ये क्या है मेरे ख्याल से होपफुली एवरीवन वुड हैव गॉन थ्रू देयर ऑर्डिनेंसेस वंस आई गेस सबके पास होगा भी ऑर्डिनेंस नहीं है अच्छा ठीक है मैं एक बार देख लूंगा मैं शेयर कर दूंगा ऑर्डिनेंस एक बार जरूर से आप लोग देख लेना ठीक है एंड आई आस्क सर आल्सो टू गिव यू द डिटेल्स इन दैट केस यस सर कब तक समय एंड सर रिसर्च पेपर्स कुछ रीड कर रहे थे तो उसमें सर नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो होते हैं उसका कोई मतलब कोई एक डिजिट होता है कि इतने नंबर ऑफ रेफरेंसेस होने चाहिए या मैक्सिमम इतने होने चाहिए इससे ज्यादा नहीं मतलब ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जो कि मिनिमम नंबर पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि 25 होने चाहिए 35 होने चाहिए इतने नंबर और रिसर्च पेपर्स बेयर मिनिमम आपके में होने चाहिए बट उसके आगे पीछे ज़्यादातर जर्नल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू कोट गुड रिसर्च पेपर्स एंड अगर उन रिसर्च पेपर्स का आप DOI दे सकते हो तो वो ज़रूर से दे दो रिसर्च पेपर is backed up by literature and literature is backed up by reference and reference mein agar aap apne DOI de diya to aapka kaam close ho gaya thank you sir
सर हमें एक चीज पूछना था कि अगर हम कोई अप्रोच डिजाइन कर रहे हैं और जो है उस अप्रोच में हम कुछ चीजें इनोवेटिव चीजें लाना चाहते हैं किसी दूसरे बैकग्राउंड से दूसरे सब्जेक्ट एरिया से, तो अब हमने मान लीजिए कि हमने बनाया रिसर्च पेपर, तो क्या हम इस एब्स्ट्रैक्ट बनाया और इसको हम भेज सकते हैं उसको जो जर्नल्स को डायरेक्टली? एब्स्ट्रैक्ट भेजने की रिसर्च पेपर भेजते हैं? एब्स्ट्रैक्ट भेजें या रिसर्च पेपर भेजें? पहले सवाल जर्नल के पास भेजें तो एब्स्ट्रैक्ट तो लेगा ही नहीं, वो तो लेगा तो जर्नल पूरा रिसर्च पेपर ही लेगा। ओके ठीक है, तो रिसर्च पेपर जब भेजेंगे तो हमें एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ नहीं लिखना होता है, हमें तो पूरा रिसर्च पेपर लिखना है। ठीक है, एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज ऑलवेज अ गुड अप्रोच। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है सोमनाथ कि हम अगर मैनेजमेंट के हैं तो जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाएगा तो काफी जैसे एरियाज हैं ऑपरेशन रिसर्च के या टेक्नोलॉजी के, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से एक अपना ही सब्जेक्ट चलता है, मैनेजमेंट से रेलेवेंट भी है येट मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट भी है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज वन अप्रोच जिसको हम बिल्कुल भी नकार सकते हैं, वो यूज आपके रिसर्च में होना ही होना है, तय है। हम बिहेवियरल एस्पेक्ट जब पर्सनल फाइनेंस पढ़ते हैं तो हम बिहेवियरल एस्पेक्ट देखते हैं, वो वहाँ पे साइकोलॉजी आ जाती है, लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं रेफर करना होता है तो हम वो भी रेफर करते हैं। तो दैट्स नॉट एन इशू, दैट विल नेवर बी एन इशू। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप वेबसाइट के बाद रिसर्च पेपर जरूर से लिखो। ओके सर, एक चीज और पूछना था कि अगर हमें उससे रिलेटेड ज्यादा मैटर नहीं मिल रहा है तो क्या हमें रेफरेंसेस जबरदस्ती बनाना चाहिए या फिर लिमिटेड रखने चाहिए? नहीं, इफ यू विल बी पुटिंग इन ऑल दोज रेफरेंसेस जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो चांसेस ये हैं कि वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो सी हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ पीएचडी कंप्लीट हमें मेरी आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है सर, आ रही है, यस सर आ रही है। सी रिसर्च इज वन डॉक्यूमेंट जो आपको अगले 15-20 साल पढ़ने वक्त काम में आएगा। तो यू शुड ओनली फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ठीक है, इनिशियल लेवल पे क्वांटिटी आते हैं दिमाग में कि पब्लिश करते चलो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि एक नंबर के बियॉन्ड यू कैन पब्लिश 100 ऑफ रिसर्च पेपर्स, इट इज बाउंड टू बी यूजलेस। व्हाई? क्योंकि आपको क्वालिटी पे ही फोकस करना चाहिए। यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ राइटिंग इट फॉर अ गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, राइट? सबका अपना ये ख्वाब होता है कि हम अच्छे ही क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में आके जाएं। तो वो क्वालिटी अगर अभी से स्टार्ट हो जाएगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाती है। नो वन इज अ बॉर्न रिसर्चर। आप जब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पेपर भी लिखोगे तो काफी गलतियां होंगी। When I look back at my thesis, I think there are a lot more errors, जो कि बहुत ही बचकाने errors होते हैं। वो उस समय scan हो गए क्योंकि you are never into the habit of writing. But when you look back, then you understand कि अच्छा और अच्छा किया जा सकता था। तो वो जो development phase है वो आता है, और development phase अगर आपका पहले साल से आना शुरू हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरे साल से start सोचेंगे कि अब अच्छे quality में लगेंगे, पहले पुराने वाले में निपटा लो। जिस दिन वो सिचुएशन आ जाएगी पहले चार लिख लेंगे उसके बाद अच्छा लिखना शुरू करेंगे और कभी नहीं आएगा। दैट डे नेवर कम्स, क्योंकि यू आर बॉक्ड डाउन बाय एवरी अदर असाइनमेंट्स आल्सो। व्हाट हैपेंस इज इट्स ऑलवेज बेटर यू राइट इन अ टाइमलाइन मैनर। 6 महीने में आपने डिसाइड कर लिया कि एक ही पेपर लिखना है, वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन 6 महीने में पहले चार लिख लेते हैं फिर अगले एक साल में एक लिखेंगे। नहीं, थिंक ऑफ राइटिंग वन रिसर्च पेपर इन 6 मंथ्स, दैट इज इट। एक पेपर अच्छा लिखेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इट विल शो ऑन योर सीवी आल्सो। एंड व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग कि मैंने 10 पेपर लिख लिए 5 महीने में या 4 महीने में, आपको भी पता है कि कितनी क्वालिटी आने वाली है। फिर तो वो वही होगा कि हमने कहीं पे प्रेडेटरी में छपवा लिया। तो दीज आर दी प्रैक्टिसेस व्हिच
from write from scratch, you should stay away from it. Think only of writing one or two research papers in the entire year. Your job will be satisfied. हो सकता है शुरू में लिखने में दिक्कत हो रही होगी, जब आपको लिखने की आदत नहीं है, बट वंस यू आर इनटू अ फ्रेम कि नहीं अच्छा लिख सकते हैं, देन ऑलवेज टेक योर टाइम टू राइट, क्योंकि उतना समय मिलता नहीं है बाय द वे कि आप बहुत अच्छा एक समय पे लिख पाए, तो थोड़ा सा टाइम बाउंड रहेगा वो जरूरी है. ओपन एंडेड टाइमलाइंस ना सेट करें, 3 महीने 2 महीने 4 महीने का ही टाइमलाइन सेट करें, उसमें सोचें कि लिखना है तो लिखना है कम वॉट में, दैट शुड बी इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर कभी कभी कोई पेपर हम लोग सब कभी कभी सर कोई पेपर होते हैं कि जो टॉपिक है उसे बिल्कुल रिलेट करता है और उसमें सब कुछ मिल जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर अगर हम उसके रेफरेंसेस जो हैं अभी यहाँ पे ये कि उसके रेफरेंसेस अगर एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं जितने भी हैं 20-30, और क्योंकि हमें और कोई पेपर नहीं चाहिए, बस हमें वही कोड करना था और सब कुछ मिल गया उसमें, तो कैसे ये प्लैगरिज्म में आता है? प्लैगरिज्म में जब सिलेक्शन होता है तो जैसे मैं सिर्फ एक नॉर्मल आपकी बात बताता हूँ, तो उसमें एक ऑप्शन आता है वेदर डू यू वॉन्ट टू सिलेक्ट योर references also for getting plaque check. तो normal process is कि आपके references जो है plaque check में कभी नहीं आएगा. जी. Okay sir. ठीक है. मैं ये भी बात करूँ तुम्हें कि references आपको plaque check में नहीं दिखाता है, Turnitin भी नहीं दिखाता है, Urkund भी नहीं दिखाता होगा. Turnitin की तो मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि उसमें settings बहुत early मैंने set की हुई हैं. What you should do is you should still see if you are picking up references just from one page or from one paper, iska matlab hai aapne sare references bhi usi paper se uthaye honge. Yes sir. To wo practice kaise kar sakte hain? At the end of the day, can your research be an output of just one research paper? It cannot be. And uska nuksan kya hoga? Uska nuksan ye hoga ki agar aap plaque check ke liye ja rahe ho to ho sakta hai ki similarity index aapke ek hi paper se bahut zyada aa jaye. एंड नॉर्मल जो नियम है कि सिमिलैरिटी इंडेक्स आपका किसी भी एक पेपर से 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब अगर आपका टोटल सिमिलैरिटी है 5% का तो वो आपको सोर्सेज दिखाएगा, तो सोर्सेज में कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए जिसे 1% से ज़्यादा का कॉपी दिखाए, एंड दैट इज द चैलेंज. बट ये चैलेंजेस तो ऐसे ही निकलेंगे. जी सर, जो लो क्वालिटी रिसर्च वर्क लिखने में होता है सर, वहाँ पे बहुत लगता है कि एज इट इज कॉपी कर लो. सर देयर वाज वन टाइप ऑफ पेपर बिब्लियोमेटिक एनालिसिस, इस पे सर थोड़ा बता सकते हैं? बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, सी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली जितने भी एग्जिस्टिंग उस पे लिटरेचर हो चुका है उन लिटरेचर का वो एनालिसिस करते हैं. सपोज टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी पे 1000 से ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो उन 1000 आर्टिकल्स का एनालिसिस किया जाता है और एक फाइनल कंक्लूजन पे उतरा जाता है, उसको हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं. ठीक है, मतलब ईजली मैं बताऊँ कि से सपोज 5 ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जिन्होंने डेमोग्राफिक प्रोफाइल और फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्फ्लुएंस दिखाया, रिलेशनशिप दिखाया, फिर अगले 5 ने भी कुछ वैसा ही रिलेशनशिप दिखाया, अगले 10 ने भी वही दिखाया, ऐसे करके एक कॉमन टैंजेंट या कॉमन पैरामीटर पे ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाता है और बताया जाता है कि ओवर से 100 और 200 रिसर्च पेपर्स एनालाइज्ड, उस पर क्या हुआ, उन 200 से 300 पेपर्स पे हमें ये फाइनल कंक्लूजन मिला. So that is called bibliometric analysis. Meta-analysis थोड़ा सा different है. Meta-analysis एक data को deep mining करके जो निकलता है वो meta-analysis है. से मैं जैसे analysis कर रहा हूँ stock markets की, stock market की analysis कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 stock markets को compare कर सकता हूँ. हो सकता है NSE को मैं compare कर दूँ किसी बाहर के market से, ठीक है, से निकी या हैंगसेंग से मैंने कर दिया कंपेयर, या डो जोन से कर दिया, लेकिन क्या मैं उसको और फर्दर सेग्रीगेट कर सकता हूँ और ड्रिल डाउन कर सकता हूँ? अगर मैंने NSE को ड्रिल डाउन किया और निफ्टी 50 पे किया, और निफ्टी 50 से और ड्रिल डाउन करके मैंने निफ्टी FMCG पे कर दिया, और निफ्टी FMCG से फर्दर ऑन
स्टॉक्स पे कर दिया. सिमिलरली मैंने उधर डाउ जोन्स को भी इसी लेवल के सेग्रीगेट किया. तो मेटा एनालिसिस क्या है कि आपने बिल्कुल ही नीचे के लेवल से अगले फैक्टर से कंपैरिजन किया. यू हैव ड्रॉन डाउन टू द वेरिएबल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. ठीक है, सबसे ऊपर जनरल होता है, सबसे नीचे जो होता है वो स्पेसिफिक होता है. तो स्पेसिफिक लेवल ऑफ एनालिसिस इज बेसिकली मेटा एनालिसिस, जो कि आपके कीवर्ड्स पे वर्क करता है. आपने टॉपिक लिखा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया. तो कोई जीडीपी पे आपने फर्दर ऑन किया या इन्फ्लेशन पे आपने वो किया, तो ये बेसिकली एनालिसिस हो गया. सो कॉन्सेप्चुअल पेपर और बिबलियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या अंतर हुआ फिर? सी कॉन्सेप्चुअल पेपर तो आपका थ्योरी थ्योरी है, ठीक है, आपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस तो आपने रिसर्च पेपर्स को कोलेट किया है, उन कोलेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स को आपने कंक्लूड करने की कोशिश की है. यू ट्राइड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल द रिसर्च पेपर्स टेकन एट वन गो. तो सर बिब्लियोमेट्रिक में कोई सेकेंडरी या प्राइमरी डेटा का प्रेजेंटेशन नहीं? बिब्लियोमेट्रिक में आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो सारे रिसर्च पेपर्स एट योर डिस्पोजल होने चाहिए जिनके बीच में आप एनालिसिस कर रहे हो. तो अगर आपने 100 पेपर्स का एनालिसिस करने की कोशिश की, तो 100 पेपर्स की स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी. जी, स्टिल कॉन्सेप्चुअल और इसमें अंतर नहीं समझ. और कॉन्सेप्चुअल पेपर तो आपका ये है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट हुआ, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, बट उसका ये कोई लेना देना नहीं है कि उसको हमने जस्टिफाई किया यूजिंग स्टडी ऑफ अनलिमिटेड रिसर्च पेपर्स. बिब्लियोमेट्री तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम इतने पेपर्स पढ़ेंगे और इन्हीं पेपर्स से हमने कुछ बेसिस निकाला. कंसेप्चुअल पेपर इज मोर अबाउट टेस्टिंग अ कंसेप्ट और एक्सप्लेनिंग अ कंसेप्ट. ओके सर. एंड सर जैसे जब लेवल पे जो रिसर्चर्स होते हैं वो कंसेप्चुअल पेपर ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो सबसे इजीली बनते हैं. थ्योरी थ्योरी होती है तो वो आराम से एक्सप्लेन कर ले जाते हैं. लेकिन उसमें ब्लैंक चेक के लिए आप हमेशा से इंश्योर रहो कि ब्लैंक चेक मिनिमम हो. सर जो गुड क्वालिटी जर्नल्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पेपर पिक करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं. गोना दोज डेज कोई अगर ये बोले कि क्वांटिटेटिव पेपर्स ही सेलेक्ट होते हैं, नहीं. विजिट दी वेबसाइट ऑफ एमरल्ड एंड एलसीए, यू विल सी इन नंबर ऑफ पेपर्स जो कि बहुत ही क्वालिटेटिव लिखे गए होते हैं. नंबर्स का कहीं पे कोई जिक्र नहीं होता और बहुत ही अच्छे लिखे हुए होते हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही नॉवेल्टी के साथ लिखे हुए होते हैं. ओके सर. सर जब हम लोग एक टॉपिक ले रहे होते हैं, जैसे सपोज अभी जो हमने डिस्कस किया था एडवर्टीजमेंट का, जैसे तो उसी तरीके जब डिस्कस कर रहे हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हम ले लेते हैं कि वो लोकेशन बेस्ड होना चाहिए उसका रिस्पॉन्स. तो जैसे मैंने कानपुर लिया तो कानपुर क्यों पिक करेंगे, वही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स था. और या फिर मैंने एक से ज़्यादा लोकेशन लेनी है, या कॉलेज स्टूडेंट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं अपने रिसर्च पे तो वो एक से ज्यादा कॉलेजेस लेने हैं. मैंने सिर्फ लोकेशन वाइज सिर्फ कानपुर का नहीं लिया, लखनऊ का भी ले लिया और झांसी का ले लिया. तो सर ये लोकेशन यहाँ डिटरमाइन कैसे होती है कि सैंपल कहाँ से लेना है? जैसे मैंने अगर जैसे जनरेशन जी को ही लेना है तो मैंने ले लिया कि मुझे चाहिए कि अप टू 19 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए मेरे, और कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट का होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो ये मायने नहीं रखता. तो ये देखिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट का होगा. तो सैंपलिंग के लिए तो सिर्फ हमें एक काम करना है कि सैंपलिंग उसी समय होगी जब हम क्लियर होंगे कि क्या वहाँ पे रिसर्च गैप है. अगर हम कानपुर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके एडजॉइनिंग हम सही यू वॉइस इज ब्रेकिंग तो का लाइन बना सर यू वॉइस इज नॉट ऑडिबल. लाइन ऑफ लॉजिक है कि हम Sir, your voice is not audible, sir.
आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं सुनाई दिया आपने जो रिस्पॉन्ड किया। हमारी मेरी आवाज? यस सर। हमारी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? सब ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आई थिंक सर लेफ्ट कर गए। मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। ओके सी, मैं बोल रहा था कि अगर आपकी सैम्पलिंग जिस लेवल पर है उसी सैम्पलिंग से ही डिसाइड होगा कि आपने कौन से टॉपिक लिया। अगर आपकी सैम्पलिंग है जिसमें लखनऊ और झांसी इंक्लूड होने, तो इट कैन बी योर जस्टिफाइड सैम्पलिंग आल्सो और योर कन्वीनियंट सैम्पलिंग आल्सो, दैट इज योर सोल डिस्क्रिप्शन। वो रिसर्चर पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लेकिन रिसर्चर इस चीज के लिए भी तैयार रहे कि अगर हमने कोई सैम्पलिंग लिया तो उसके पीछे का जस्टिफिकेशन भी प्रूव इनफ होना चाहिए। बाकी यू कैन सेलेक्ट कानपुर ऑल्सो, यू कैन सेलेक्ट लखनऊ ऑल्सो। इफ यू आर सेलेक्टिंग कानपुर, देन आपने अगर स्टडी सिर्फ कानपुर में सेलेक्ट करने की कोशिश की है तो कानपुर के को भी सेलेक्ट करने के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना, ये चीज पता होनी चाहिए। सी व्हाट एवर रिसर्च यू आर डूइंग, यू हैव टू बैक इट अप विद सर्टेन कॉन्क्रीट फैक्ट्स, ठीक है। मैंने अपनी स्टडी में अगर लखनऊ भी सेलेक्ट किया था, कानपुर भी सेलेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ certain parameters or facts, ठीक है, किसी रिपोर्ट पे ही मैंने segregate किया था कि मैं यही use करूँगा, तो आपको भी कोई ना कोई चीज़ का basis तो use करना ही पड़ेगा। Suppose sir electronic vehicle कौन customer use कर रहे हैं और क्या उसका after 4-5 years बाद कैसा feedback दे रहे हैं वो, इस पर मेरी अगर research based है तो I know कि बैंगलोर में ज्यादा सेल हुई है, वहां महिंद्रा लेके आई है और वो कानपुर क्षेत्र में बहुत ही कम आई है, बट स्टिल आई पिक द विथ कानपुर और कानपुर सिटी एंड लखनऊ सिटी, तो यहाँ पे बहुत ही नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत कम होंगे, उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला और मे बी ये मेरी एक्चुअल रिसर्च में वेरिएशन ला सकता है, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि मेरी कन्वीनियंस थी, मेरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो यहाँ पे ज्यादा था, वहाँ जाना नहीं पॉसिबल था, तो हाँ यू कैन ऑलवेज राइट कन्वीनियंस सैंपलिंग। मैंने अपनी थीसिस में भी यही काम किया, मैंने कन्वीनियंस सैंपलिंग और जजमेंटल सैंपलिंग दोनों यूज किए हैं, एंड इन मोस्ट केसेस आपको यही दिखेगा कि रिसर्च स्कॉलर्स कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज करते हैं, सेइंग दैट इट विल ऑब्वियसली रिड्यूस द रिजल्ट्स ऑफ योर आउटपुट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर जगह सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज करें या स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करें, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि विद इन टाइम आपकी रिसर्च स्टडी हो पाए, सो दैट इज अलाउड। And sir, sometimes research methodology में I read कि they are using two different types of sampling, तो जिसे अभी हम लोग advertisement का discuss कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल use होगी, दो क्या चार type की sampling एक साथ में use हो सकती है, primary secondary तक, primary में हो सकता है कि दो different type की sampling use हुई हो और secondary sampling units को select करने में दूसरे type की use हुई हो। It's easier अगर सब लोग जितने भी यहाँ पे आज 17 लोग जैसे हैं सब अपनी अपनी टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा सैम्पलिंग का काम करें, अपनी रिसर्च इंटरेस्ट को क्लियर कर लें कि अच्छा मुझे इसी पर ही आके रिसर्च करनी है, सैम्पल कैसे होगा, जब तक वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं होगी तब तक सैम्पलिंग क्या है कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फ्रेंकली स्पीकिंग, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग की करना क्या है तब तक सारी चीज़ें हवा में लगती हैं। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू विल अंडरस्टैंड कि सैम्पलिंग कहाँ से आनी चाहिए। सर सपोज जैसे अभी फॉर्मूला आपकी हम लोग बात कर रहे थे और मेरा आया कि पॉपुलेशन से सपोज 300 मुझे लेने चाहिए, देन आई डिसाइड मुझे यहाँ कोटा सैंपल लगा के भी मैं डिसाइड करना चाहती हूँ कि पर एज ग्रुप जो है उसमें मैं इतने रिस्पोंडेंट्स को कंसिडर करूँ कि इतने टीनेजर्स मतलब 20 हैं 30 हैं 40 हैं 50 हैं जो भी बाइंग डिसीजन लेते हैं, तो सर इनका नंबर कैसे डिसाइड होगा,
और उसमें मतलब मैं रैंडमनेस भी रखना चाहती हूँ, तो भी मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, तो मेरा रैंडम सैम्पलिंग का भी कोई एक ले लिया मैंने और ये भी लिया, तो पॉपुलेशन की जगह सैंपल साइज को 300 को लिख के फिर उसी पे कैलकुलेट करूं. राइट. See, whatever you do, you have to only understand ki at the end of the day kisse jyada study proper nikal sakti hai. Representative sample jitna jyada sahi niklega utna jyada achhi study hogi. Okay sir. And there's one more thing sir, ki jise agar mujhe samples ikhatta karne hai aur maybe jise abhi metaverse ke bare mein aa raha hai, new internet ka format आ रहा है, तो मेरे पास रिस्पोंडेंट जो है वो कानपुर सिटी में तो सिचुएटेड नहीं है कि मैं ऑफलाइन जाके उनसे रिस्पॉन्स लूँ, बट स्टिल कुछ है. तो सपोज ये 300 लोग हैं, इसमें से कुछ को मैं ऑनलाइन जाके फिल करवाना चाहते हैं अपना फॉर्म, गूगल से मैंने दे दिया या रैंडमली मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड रन करके रैंडमली पिक किया, ऑब्वियसली उनके एनालिटिक्स वहाँ पे एज अ प्रूफ रखेंगे कि इसी एज ग्रुप और सैम्पल साइज के फीचर्स को बिलोंग कर रहे थे. तो सर यहाँ मिक्स हो सकता है कि ऑनलाइन हो गया और वाइजन वर्सस विल इट इफेक्ट नहीं, वो बहुत मेजर फैक्टर नहीं है, मेजर फैक्टर नहीं है ये, दिस कैन ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ. एंड सो ऑनलाइन जो हां जी कैसे ऑनलाइन सर जब कलेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस, तो मे बी पॉसिबल कि क्योंकि हम वन टू वन में देख रहे थे उसमें रिस्पोंडेंट कुछ कम ज्यादा हो सकता है, तो उसका कोई क्या एडिशनल वहां पर हम लोगों को शो करना पड़ेगा कि ये स्कैटर डेटाबेस हो सकता है? नहीं. एंड सर द लास्ट क्वेश्चन, द थिंग इज कि सर ये जो टाइप्स ऑफ पेपर्स होते हैं जैसे धीमे धीमे पढ़ने में आ रहे, तो आपसे पूछ रहे हैं ये जो जर्नल्स हैं टूल्स हैं सर ये कैसे डिफाइन करें? पर्सनली आई एम लिटिल बिट लॉस्ट इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, अभी लगता नहीं है कि पूरा हुआ है, क्योंकि हुआ भी नहीं है अभी कुछ भी, इतना नहीं आता सर. जैसे types of research papers is still not clear ki kuch internet se mil jata hai lr mein kabhi kabhi jaise bibliometric analysis tha. You should just know the topic ki kis topic pe dhoondna hai, fir is topic pe chahe google mil jaye, google scholar mil jaye, chahe elsevier mil jaye, mrl mil jaye, ipsco mil jaye, jis pe jo data mil sakta hai, jo research paper milte hain wo to pehle aap download kar lo, chahe wo 500 ho jaye chahe 5000 ho jaye, उसमें से पेपर्स आपको समझ में आ जाएंगे कि किसमें मिलने. देन यू कैन विजिट दी लाइब्रेरीज ऑफ से बड़ी लाइब्रेरीज में आप चले जाओ, IIMS की लाइब्रेरी में भी आपको काफ़ी कुछ डेटा मिल जाएगा. आपके पास डेटा कलेक्शन और डाउनलोड्स का इशू नहीं है, आपके पास रीडिंग का इशू है. मैं टाइम एंड अगेन यही बोलता हूँ, इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग वन रिसर्च पेपर एट ए टाइम यू विल गेट सम आइडिया, उसको रिलेट करके आप दूसरे तीसरे को छोड़ के शायद चौथा रिसर्च पेपर ही फिर पकड़ोगे. There is no issue of downloading the paper. There is an issue start clearly वहीं से रिसर्च गैप भी आएगा. और कोई सवाल तुम लोग के? In that case, I'll आपने कहा कि पहले अपना बड़ा टॉपिक करो, तो मेरा ब्रॉड टॉपिक हुआ मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड देन डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग मैंने गूगल स्कॉलर से कुछ पेपर्स निकाले, कुछ अप टू द मार्क नहीं थे, सेमिनार पेपर्स थे, स्टूडेंट पेपर्स, तो वो तो ठीक थे, कुछ हाई क्वालिटी अच्छे मिले. बट द थिंग इज सर कुछ B2B बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ एप्पल से रिलेटेड है, तो हर पेपर सर एक अलग डायरेक्शन में खींच के ले जाता है, रीड करें या ना करें, बट इंटरेस्ट हो जाता है. तभी तो रिसर्च बोला जाता है कि प्रिसाइज होनी चाहिए.
यही कारण तो है कि यू आर गिवन अनदर 6 months टू रीड द लिटरेचर. अगर पहले दिन ही में टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर रिसर्च पीएचडी 2 साल में ना होने लगे. रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि आपको हर टाइप का टॉपिक अच्छा लगेगा, आपको हर टाइप का टॉपिक डिफरेंट लगेगा. द थिंग इज व्हाट योर कॉन्शियंस टेल्स विद रेफरेंस टू मार्केटेबिलिटी एंड रेलेवेंस एंड विद रेफरेंस टू व्हाट इज द रियलिस्टिक स्टेट ऑफ योर पीएचडी. मतलब आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी जगह में अपना टाइम देखते हुए, तभी तो चैलेंज है. क्योंकि व्हेन यू विल रीड 10 पेपर्स विल गेट 20 डिफरेंट थॉट्स. तो वो कन्फ्यूजन, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, ये कन्फ्यूजन तो हर रिसर्चर के पास आना ही आना है. आप उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करते हैं क्या समझ के, वो आपका जो चैलेंज है वो वहीं से सॉल्व होगा. अगर मार्केटिंग के पेपर्स पढ़ रहे हैं और मैंने एडवर्टीजमेंट पे 2-3 पेपर ज्यादा पढ़ लिए, तो मे बी मेरा डिजिटल मार्केटिंग के जगह एडवर्टीजमेंट में ज्यादा एक्सपोजर है, तो फिर मेरा रुझान उस तरफ हो जाएगा. तो उसमें रीड नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है कि वो रीड करके छोड़ दें. यू रीड सप्लीमेंट्री पेपर्स, यू रीड प्राइमरी पेपर्स, रुझान हो नहीं जाएगा, रुझान ऑटोमेटिकली डेवलप होता है. ठीक है, एंड करके हम लोग कुछ थ्योरेटिकल कॉल सारी होती है, तो वो मेथड होता है जिसमें हम इसे यूज कर रहे हो और कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, दैट इज ओनली योर डिस्क्रिप्शन. एंड सर, सेम रिसर्च में डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स भी यूज होते हैं उस पे, जैसे प्राइमरी इंटरव्यू भी करता है किसी में भी, प्लस आपने केस स्टडी मेथड यूज किया तो शायद वो भी यूज हो जाए. तो प्राइमरी सेकेंडरी केस स्टडी मेथड सब आप मेथड यूज कर सकते हो किसी भी थीसिस में. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. किसी भी चीज को लेके रिस्ट्रिक्शन थीसिस राइटिंग में नहीं होता, ना ही आपके रिसर्च में होता. रिस्ट्रिक्शन होता है आपके सिर्फ टाइम का, आपको उतने ही साल में करनी है. पूरा जीवन यापन तो आपको थीसिस लिख के करना नहीं है. व्हेन यू नो दैट देयर इज अ टाइम लिमिटेड एंड एवरी 6 months यू नीड टू गिव अप अ कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट with reference to your progress, that is the time when you should start thinking कि मुझे पास समय कम है, मुझे उतना ही काम. काम फैलाना important नहीं होता, काम समेटना important हो जाता है. And ये पूरा thesis writing and पूरी PhD आपकी काम समेटने वाली होती है. पहले साल में जितना आपने काम फैलाया होता है वो सब समेटा दूसरे तीसरे साल में जाता है. तो सोचा तो यही जा रहा है कि मुझे ये भी समझ में आ रहा है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है, मुझे दोनों मार्केटेबल लग रहे हैं. अभी लग रहे हैं ना, जब हम फाइनल करते चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, मुझे शायद इसी पर ही स्टिक करना पड़े. जी सर, जैसे दो मेथड की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी ऑफ कलर का है कि कस्टमर बाइंग डिसीजन में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है. तो मे बी आई नो कि मुझे उसका उनसे क्वेश्चन आया भी भरवाना है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए और उनका इंटरव्यू भी लेना चाह रहे हैं हम. तो मैंने सैम्पल साइज 300 ना लेकर पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर 30 लिया तो विल इट बी ओके और वो मेरे थीसिस में ओके होगा कि नहीं? डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन से आपने सैंपल निकाला है और अगर आपने जस्टिफाई कर दिया कि इतना सैंपल जरूरी है तो होगा. और जो आपने सेकेंडरी मेथड यूज किया है वो सेकेंडरी मेथड ही है, वो प्राइमरी मेथड तो यूज नहीं इनके. अगर आपने थीसिस में ये मेंशन कर रखा है कि केस स्टडी मेथड ही यूज कर रहे हैं डेटा भरवाने के लिए, तो नथिंग लाइक इट. तब आपको प्राइमरी डेटा जो आपने यूज किया है बाकी सारे से वो सेकेंडरी हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ये लिख रखा है कि कहीं भी केस स्टडी करनी है तो जो जिक्र आपने शुरू में किया है 300 का, वो 300 ही इम्पोर्टेंट है, वो 30 नहीं आएगा. सो योर 300 सी
you can add n number of your data collection methods or n number of but that अगर प्राइमरी क्वेश्चन है मेथड रखा है तो प्राइमरी वही केस स्टडी से आप अपनी स्टडी को इंडोर्स कर रहे हो. केस स्टडी को अगर प्राइमरी बनाना था तो फिर आपको क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी. यू गेट माय पॉइंट. अगर मैंने यहाँ पे 18 लोगों का क्वेश्चन है भरवाया है फिर मैं माधवेंद्र और ईशा और विभा से केस स्टडी यूज कर लूंगा तो मैं इसका ये मतलब तो नहीं कि तीन लोगों से मैंने केस स्टडी किया तो मैं बोलूंगा कि अब 18 लोग का नहीं बनाना मुझे सिर्फ दो लोग का बनवाना है. It will not give you a right reflection of the group. The right reflection is कि आपने 18 का करवाया फिर 3 का आपने करा के 3 की स्टडी से आपने 18 का इंडोर्स किया स्टडी को कि इससे भी यही पता चल रहा है 1-to-1 करने के बाद भी. So interview ये case studies अगर वो analysis थोड़ा skewed हो उस तरह तो फिर किसको मानेंगे जो questionnaire से आ रहा है analysis या जो वो personally वो person बता रहे हैं. मैं ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे कि हमने केस स्टडी मेथड से भी उन्हीं लोगों का सैंपलिंग किया और हमारे डेटा से आए तो अगर कुछ ऐसा होगा ना तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें किसी एक स्टडी को लेके आगे चलना पड़ेगा. हम दोनों स्टडी से नहीं दिखा पाएंगे. एक ही चीज़ को हम प्रूफ करने के लिए बैठे ना हम दोनों चीज़ें कैसे प्रूफ कर देंगे. आइदर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज द राइट वन और वाई द इंटरव्यू मेथड इज द राइट वन. Only you can take it one forward, not both. Just imagine करो इन 18 लोगों से पूछूं कि research की class का क्या है feedback 1-to-5 पे everyone with marks on 5. फिर मैंने 3 से open ended interview किया उन्होंने marks 0 दिया तो ऐसे नहीं चल सकता. There has to be only one study which will be proven right. So वैसे सोचना पड़ेगा. वो कैसे decide होगा? मैं जो सर हम लोग इसका chance लेते हैं question आया भरते वक्त respondent जरूरी नहीं कि 100% वो state of mind. You begin with primary. You begin with primary one method only and when you believe that this also requires something else, फिर आप अपनी second study से. See, research में क्रांति नहीं करनी है, ठीक है? एक मैं हमेशा मुझे बोला जाता है कि आपको rocket science नहीं बनना है, आपको उतना ही काम करना है जिससे आपका basically research PhD thesis submit हो पाए और उतना ही करना चाहिए जिससे आपकी study भी justify हो. Why do you need to collect data from 10 and 10 जगह से हमें data collection की? हमें एक हमें से भी अगर क्वेश्चनेयर भी बोला जाएगा भरवाने उसमें भी 6 महीने बहुत कम लगते हैं, ठीक है? तो हम उधर से क्वेश्चनेयर भी बना रहे हैं, हम उधर से इंटरव्यू भी कर ले रहे हैं. इट्स लाइक डिगिंग अ होल एंड डिगिंग अ ग्रेव फॉर योरसेल्फ. डू ओनली व्हाट कैन बी डन, डोंट डू व्हाट ऑल कैन नॉट बी डन एज वेल. उतना ही करना चाहिए जितना हमसे हो भी पाए. प्लेट में तो उतना ही लेना चाहिए ना जितना आप खा भी पाओ. सब कुछ खाया नहीं जा सकता, वो भी 3 साल के पीरियड में तो कतई नहीं खा पाएंगे. यस ओके. एनी मोर क्वेश्चंस? कल आ पाएंगे? आई एम कमिंग एवरी डे. ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरीज होगी तो अपने पेपर्स पे वर्क करना शुरू करो. मेरे ख्याल से उससे ज्यादा इजीली डिस्कशन हो पाएगा, ठीक है? चलो, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. सी यू टुमारो. Thank you. Bye-bye, everyone.